तो देखो यार होता क्या रहता है आपको आपको एक चीज लगता होगा कि ये पढ़ाई क्यों बनी है ना क्यों ये सब करियर फ्यूचर कंपटीशन हजार चीजें हैं क्यों बन के आई आदिमानों वाली लाइफ अपन लोग की कितनी बढ़िया थी कि आराम से उठे खाए पिए नहाया नहीं नहाया कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई ऐसा कुछ नहीं होता है शिकार करे खा के फिर सो गए कोई कंपटीशन नहीं है ना सुकून की लाइफ थी पता नहीं कौन आया पढ़ाई बना के चला गया चला गया सो चला गया अब हम लोगों के लिए कई चीजें रहती हैं पढ़ाई करने का सबसे पहले तो मन नहीं करता है है ना मन किसी और चीज का करता है पढ़ाई आपको आपका फ्यूचर देगी आपको एक अच्छा खुशहाल करियर देगी लेकिन आपको उन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई जब भी आप करने जाते हो किताब खोलते हो किताब खोलते, खोलते क्या होता है वोले नींद आती है क्यों तो मतलब एक मिथ और बना दिया गया कई लोग पहले बोलते भी थे रात को अगर सोना हो तो रात को लेटे लेटे किताब पढ़ो नींद आ जाएगा ये सब चीजें क्या दिमाग पे घर करती है ना कि भाई किताब पढ़ने से नींद आती है गलत है किताब पढ़ने से नींद नहीं आती है तुम्हारे लिए मैं बताऊ ना जो तुम्हारी ये किताब है ना जो तुम्हारा करियर बनाएगी जो तुम्हारा भविष्य अच्छा करेगी तुम्हें तो सिर्फ इसको पढ़ने से नींद आती है नोबल भी एक किताब होती है ना एक भी बंदा ढूंढ के दिखा देना जिसको नोबल पढ़ते टाइम नींद आई हो है ना बोले की नींद नहीं आ रही थी उसने नोबल खोली दो मिनट बाद सो गया वो भी तो एक किताब है ना तो ये तो मत बोलो कि किताब पढ़ने से नींद आता है सीधी चीज ये है कि जो चीज आपका भविष्य आपका करियर अच्छा करे उससे करने में आपको एलर्जी है और जो चीज आप करते हो लाइक फेसबुक यू व्हाट्सएप भयंकर YouTube चलाते हो बिना मतलब की करते रहे, तो बिना मतलब की ना? वो काम करने में आपको ढंग ही नहीं पड़ता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे दिक्कत है आपको और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें बिजी होते अब इससे होगा क्या जो चीज जरूरी है आप वो नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो चीज आपकी जरूरत की वो भी आपको नहीं मिलेगी सिंपल सा गिव एंड टेक का रिलेशन है आपको आपकी जरूरत की चीज तभी मिलेगी जब आप उसकी जरूरत के लिए वो जरूरी काम कर रहे हो आपको चाहिए सरकारी नौकरी नोबल पढ़ के नहीं मिलेगी लेकिन आप क्या करते हो आप इधर उधर की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हो एक तो सबसे गंदी चीज दिन का शेड्यूल बड़ा गंदा है ना हर टाइम पे चीजों को टालने की आदत रहती है हर टाइम पे चीजों को टालने की अरे यार तुम यार यूथ हो इतना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तुम कोई भी काम कर सकते हो लेकिन आप इतना गलत काम करते हो चीजों को टाल देते हो टालना सबसे टालना फेल होने की पहली सीढ़ी है अगर आपने किसी को किसी भी काम को टाल दिया ना तो समझ लो आप फेलियर की तरफ बढ़ गए हो पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो आप अब बस आपको कुछ सीढ़ियां और चढ़नी और आप अपना फेलियर अचीव कर लोगे ये भी तो एक अचीवमेंट है क्यों मेहनत करके ले रहे हो ना दिन भर फेसबुक चला के मिला है व्हाट्सएप चला के मिला है पढ़ाई से दूर रह के मिला है माँ बाप को धोखा दे सब कितना बड़ा अचीवमेंट है घर वाले सोचते बच्चा पढ़ रहे हैं। बच्चा ये सब कर रहे हैं बच्चा डीपी बदलने में बिजी है।, है हमने फेसबुक पे डीपी डाली लाइक आ गए हैं हैं पापा पापा को दिखाओ मोहल्ले वाले पूछ रहे 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 बेटा क्या कर रहे है? तो पापा बता रहे, वो गया था पढ़ने फेसबुक पर डीपी डालने सीख गया व्यवहार भी अच्छा खासा बन गया हमें यहाँ पे कुछ ही लोग जानते हमारे लड़के को फेसबुक पे इतने लोग जानते हैं इतने दोस्त उसके क्या ये सब वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ फ्यूचर वेस्ट ऑफ ड्रीम्स इन सब चीजों को जब तक नहीं छोड़ोगे आप भूल जाओ कि आपकी खुशियां आपके सपने पूरे होंगे और ये पढ़ाई जो है ना ये वो जरिया है जो आपकी खुशियों को आपके सपनों को आप तक ला सकता है अगर आपको लगता है ना कि ये जो पढ़ाई है ये पहाड़ है तो जो आपकी खुशियां हैं जो आपके सपने आप सोचते हो ना कि मेरे माँ बाप ने बहुत कष्ट झेला है हमारी परवरिश करने में बहुत कुछ उन्होंने कुर्बान किया है आपके लिए हम बड़े होकर के उन्हें घुमाएंगे उनके लिए ये सब करेंगे कार ले के आएंगे घर पे ए लगवाएंगे उनके लिए ड्रीम्स हमें पता है तुम लोग अपने लिए नहीं देखते हो कोई भी अच्छा बेटा जब भी ड्रीम देखता है अपने माँ बाप के लिए देखता है देखते हो पूरा कैसे करोगे मोबाइल चला के नहीं होगा ये जितना भी ड्रीम है ना आपका जो भी सपने हैं आपके ये सब के सब वो पढ़ाई रूपी जो पहाड़ है ना उसके दूसरी साइड है आप इस साइड खड़े हो अब जब दूसरी साइड है तो आपके पास दो ही रास्ते या तो आप खड़े रहो या फिर उस पहाड़ को क्रॉस करो और अगर खड़े रहोगे तो भाई खुशियां चल के तुम्हारे पास तो आएंगे क्योंकि कहावत तो सुनी होगी ना प्यासा कुएं के पास जाता है कुआ नहीं आता प्यासे के पास में और यहां पे प्यासे तुम हो खुशियां तुम्हें चाहिए खुशियों को तुम नहीं चाहिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा दूसरा रास्ता नहीं है यह चीज आप जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर समझ रहे हो ना और देखो एक बात और बताओ ये एक्चुअली में यह पहाड़ नहीं है ये एक रास्ता है तुम्हें तुम्हारी खुशियों तक पहुंचाने का अब रास्ते पे तो चलना पड़ेगा बिना चले नहीं पहुंचोगे तो ये सब चीजें और मेन चीज क्या होता है अच्छा हम लोग ये भी कहते हैं कि हाँ ठीक है कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं हो जाएगा कब हो जाएगा किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है आज आपका टाइम है मेहनत करके पढ़ाई करने का और पढ़ाई करके एक नौकरी लेने ले का अब अगर वही नौकरी अगर तुम छा चार, चार साल छह साल बाद लोगे तो जो काम तुम आज नौकरी लेके कर सकते थे छह साल बाद नौकरी लेके नहीं कर सकते हो हर एक चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है अभी जैसे आपकी जो भी एज है दो चार छह साल बाद शादी की एज हो जाएगी अगर वही शादी आपकी अभी चार छह साल बाद ना कराके साठ साल की उम्र पे कराया जाए सत्तर साल की उम्र पे कुछ कर पाओगे मतलब ठीक है ना तो वही चीज मैं कह रहा हूं तो कोई भी काम है उसको करने का एक प्रॉपर टाइम होता है उस टाइम पे करना चाहिए तो टाइम वेस्ट नहीं करना है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं एक बात बताता हूं मैं आपको अपनी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब लोग क्या करने में बिजी हैं अपना स्टेटस बदल रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और अपना स्टेटस बदल रहे अपना कौन सा स्टेटस लाइफ का तुम लोग भी स्टेटस बदल रहे हो सिर्फ व्हाट्सएप का है ना और स्टेटस भी ऐसे नॉर्मली नहीं लगाते इतना दिमाग खराब करते स्टेटस के ऊपर है ना बोले हम ऐसा स्टेटस लगाएंगे तो वो देखेगा वो देखेगा तो वो सोचेगा सब तुम ही सोचे ले रहे हो कुछ उसके लिए भी तो सोचने को छोड़ दो जरा सी चीज जो कि जरा सी चीज भी नहीं मैं तो कह रहा हूं ये चीज एग्जिस्ट भी नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में वहां पर आप दुनिया भर का टाइम स्टडी बेस्ट कर देते हो फेसबुक का स्टेट व्हाट्सएप का स्टेटस है ना फेसबुक की फोटो एडिट करते हो डी पी डीपी एडिट करने में पता नहीं कौन कौन से ऐप चलते हैं कौन कौन से चलते फिल्टर जो कुछ भी चलते हैं ना सब यूज कर डालोगे अगर तुम्हारे काम अच्छे नहीं होंगे ना तुम दुनिया भर के फिल्टर लगा डालना तब भी कोई तुम्हें नहीं पूछेगा और अगर तुमने काम अच्छे किए हैं मैं कह रहा हूं एक भी फिल्टर नहीं हो तुम्हारी डीपी पे देखो लोग कितना करेंगे डिपेंड करता है आप क्या चूज करना चाहते हो तो वही सब चीजें रहेंगी ठीक है तो एक बात समझ लेना कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज है आज के टाइम पे सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी की जरूरत है कि आप पढ़ाई करो Anecdotes 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 Anecdotes